अरुणापुर नामक गांव में वसुधा नाम की एक महिला रहती थी। वो एक दिन अपने बेटे के लिए बिरयानी बना रही थी। जब वो बिरयानी बना रही थी तो पूरा घर उसकी खुशबू से महक रहा था। वसुधा खुद भी उसका आनंद ले रही थी। जब मेरा बेटा आएगा तो मैं उसे बड़े प्यार से गरम गरम बिरयानी खिलाऊंगी, ये सोचकर वो कुछ देर बैठी रही। कुछ देर बाद उसका बेटा बालू स्कूल से वापस आ गया। उसे भी खाने की खुशबू आती है। माँ, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, क्या तुमने मेरे लिए आज बिरयानी बनाई है? माँ बालू के पूछने पर हाँ कहती है। प्लीज मम्मी, जल्दी से परोसो, मुझे भूख लगी है। वो तुरंत उठकर किचन में जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही चिल्लाने लगती है, भूत भूत, मदद, कोई मदद करो। माँ अचानक चिल्लाने क्यों लगी ये देखने के लिए बालू रसोई की तरफ दौड़ता है। वहाँ उन्हें एक भूतनी बैठी दिखाई देती है जो वसुधा की बनाई बिरयानी खा रही थी। भूतनी उन्हें चिल्लाते हुए कहती है कि उस पर चिल्लाए ना, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बस ये बिरयानी खाकर चली जाऊंगी। वो उनसे मदद करने के लिए कहती है और बालू और उसकी माँ उस भूतनी को घूरते रहते हैं। बिरयानी अच्छे से खा लेने के बाद भूतनी कहती है, मुझे तुम्हारी अनुमति के बिना बिरयानी खा जाने के लिए बुरा लग रहा है। वसुधा भूतनी को बात करते देख डर जाती है और पूछती है, तुम हो कौन? तब वो कहती है, मेरा नाम कविता है, मैं एक मध्यम वर्ग के परिवार से संबंध रखती थी। मेरे पिता ने हमारा घर बेचकर ढेर सारा दहेज दिया और मेरी शादी एक अमीर परिवार के लड़के से कर दी। पहले कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, फिर कुछ महीनों बाद मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, सुनो बहू, ऐसा लगता है कि तुम्हारा पति एक नया व्यापार शुरू करना चाहता है, जाओ अपने पिता से पैसे लाओ। मेरे पिता को इतने पैसे कहाँ से मिलेंगे सासू माँ, उन्होंने तो पहले ही अपना घर बेचकर तुम्हें शादी में दिया था। लेकिन मेरी सास ने मेरी एक नहीं सुनी, फिर मुझे बहुत ताना मारती रही और मुझे या तो पेट भर कर खाना नहीं दिया या भूखा रखकर सताने लगी। एक दिन मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मेरी सास ने मेरे पति से कहा, क्या बताऊँ मेरे बेटे, तुम्हारी पत्नी बहुत गरीब परिवार से आ गई है, तुमको एक अमीर परिवार से शादी का रिश्ता आया है, उन्हें ये तुम्हारी दूसरी शादी होने पर भी कोई आपत्ति नहीं। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी पहली पत्नी मर चुकी है। मैंने ये सुन लिया और उनसे मुझे छोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया, ये सोचे बिना कि मैं गर्भवती हूँ। बहुत दिनों तक कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया। मैं पानी मांगते मांगते एक दिन मर गई। उसकी बात सुनकर वसुधा को बहुत बुरा लगा और उसने कहा, हे भगवान, ये तो बहुत भयानक है, वे तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या वे इंसान हैं भी? क्या तुमने उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश नहीं की? अगर वो दोबारा शादी कर लेता है तो दूसरी लड़की के साथ? भूतनी जोर से हंसी। इसीलिए मैंने उन दोनों को मार डाला। मैंने उन्हें मार डाला ताकि मेरी तरह किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो। वसुधा ने तब उस भूतनी को ये कहकर सांत्वना दी, तुम जब भी कुछ खाना चाहो यहाँ आ सकती हो। ये सुनकर वो भूतनी खुशी खुशी वहां से गायब हो गई और फिर जब उसे भूख लगी वो जरूर आई। अक्षरापुर नामक गांव में कीर्ति नाम की एक विकलांग लड़की रहती थी। कीर्ति की माँ एक अमीर औरत के घर में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। अचानक एक दिन वो बीमार पड़ गई और बिस्तर की होकर रह गई। कीर्ति को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। माँ, तुम्हारी सेहत ठीक नहीं, मैं दवा लाऊंगी, मुझे कुछ पैसे दो माँ। मेरे पास जितने पैसे थे उससे मैंने किराने का सामान खरीद लिया था, अगर मैं आज काम पर जाती तो मुझे पैसे मिल जाते, लेकिन मैं आज काम पर जा नहीं सकी। अगर मैं कल थोड़ा ठीक महसूस करती हूँ तो मैं काम पर जाऊंगी। आज दवा नहीं ली तो कल बहुत कमजोर हो जाऊंगी माँ। तो मैं क्या करूँ बेटी, यही हमारा भाग्य है। उसकी बात सुनकर कीर्ति को बहुत दुख हुआ। अगले दिन कीर्ति की माँ की तबीयत और भी खराब हो गई।
अब तो वो बोल भी नहीं पा रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर कीर्ति बहुत घबरा गई और उस घर गई जहां उसकी माँ काम करती थी। उसने मालिक की पत्नी से कहा, मैडम मैं शारदा की बेटी, मेरा नाम कीर्ति है। मेरी माँ काम पर नहीं आ सकी क्योंकि 2 दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं यहाँ आई हूँ मैडम, मैं काम कर लूंगी कुछ दिन। उसने कीर्ति की ओर घिन से देखा, तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? हाँ सबसे पहले बाहर निकलो। उसके इस तरह कहने से कीर्ति को बहुत दुख हुआ और बोली, मैडम ऐसे मत कहिए, मैं बहुत अच्छा काम करूंगी। तुमको यहाँ काम करने की जरूरत नहीं, मेहरबानी करो यहाँ से चली जाओ। अगर तुम सड़क पर जाओगी तो लोग विकलांग होने पर कुछ पैसे दे देंगे भीख में। इतना कहकर उसने उसे वहां से निकाल दिया। कीर्ति के समझ में नहीं आया कि क्या करे और सोचने लगी, मेरे लिए मेरी माँ की सेहत से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं, अगर मेरी माँ अच्छी हो जाती है तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात होगी। ये सोचकर वो एक जगह खड़ी हो गई और भीख मांगने लगी, सर मैं एक विकलांग लड़की हूँ सर, प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। उस रास्ते से जाने वाले कुछ लोगों ने उस पर दया दिखाई और उसे पैसे दिए। वो उन पैसों को लेकर डॉक्टर के पास गई। तब कीर्ति ने उन्हें बताया कि क्या हुआ और उन्हें लेकर अपने घर आई। डॉक्टर ने कीर्ति की माँ को चेक किया, मैडम डेंगू बुखार बहुत खतरनाक होता है, अगर हम सही इलाज नहीं देते तो इनके जीवन को खतरा है। डॉक्टर प्लीज इस तरह की बात मत कीजिए, मेरी माँ को अच्छा इलाज दीजिए, चाहे कितना भी पैसा लगे मैं दूंगी आपको। डॉक्टर ने कहा ठीक है और कीर्ति की माँ को अस्पताल ले गए। फिर उसने उसका अच्छे से इलाज किया। कीर्ति अपनी माँ को बचाने के लिए हर दिन पैसे की भीख मांग रही थी। उस पैसे से वो अपनी माँ के लिए फल और दवाइयाँ खरीदती। कुछ दिनों बाद कीर्ति की माँ स्वस्थ हो गई। ये देखकर कीर्ति बहुत खुश हुई और अपनी माँ के पास आई। इसी बीच डॉक्टर भी आ गए। अब सब ठीक है, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको ऐसी बेटी मिली है, उसने आपको सही समय पर दवाएं और फल खिलाए, उसने अस्पताल का बिल भी भर दिया, अब आप घर जा सकती हैं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। तब कीर्ति और उसकी माँ भी घर चली गई। कीर्ति की माँ हैरान थी और उससे पूछा, कीर्ति इतना पैसा कहाँ से लाई थी तुम? मुझे एक जगह काम मिल गया है माँ। इतनी कम उम्र में तुम इतनी मेहनत कर रही हो। इस बीच मालिक की पत्नी वहां आई और बोली, किसने कहा तुमसे कि भीख मांगना मेहनत का काम है? तुम्हारी बेटी ने सड़क पर भीख मांगी और ये सब किया। मैंने पहले ही सोचा था कि इस लड़की को ऐसी मानसिकता मिलेगी, इसलिए पैदा होते ही इसे छोड़ दिया था। ये सुनकर कीर्ति हैरान रह गई। माँ वो किस बारे में बात कर रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम उसी की बेटी हो, उसने तुम्हें कूड़ेदान में फेंक दिया था क्योंकि तुम विकलांग पैदा हुई थी। ये देखकर मैं तुम्हें अपने घर ले आई और तुम्हारी देखभाल की। ये सुनकर कीर्ति को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी माँ की ओर देखा। तुम माँ कहलाने के लायक ही नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। भगवान ने जो दोष दिया उसे देखकर तुमने उसे मेरी गलती समझा और मुझे छोड़कर चली गई। अब तुम एक बांझ औरत कहलाती हो ना। मेरी माँ का प्यार सच्चा प्यार है, हालांकि मैं उससे पैदा नहीं हुई, लेकिन उसने तुम्हारे घर में काम करके बहुत मेहनत से मेरी अच्छी देखभाल की। ऐसी माँ के लिए भीख मांगने में कोई बुराई नहीं। कीर्ति की असली माँ ने उसकी बात को अपने गाल पर एक तमाचे की तरह महसूस किया और वहां से चली गई। वो दोनों फिर से एक साथ प्यार से रहने लगी।